हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक में देखेंगे पार्टनरशिप। कंप्लीट, क्योंकि मैसेज आया था कि सर पार्टनरशिप बिजनेस पे एक क्लिप बनाई है, तो हमने सोचा क्यों ना एक क्लिप बना दिया जाए पार्टनरशिप बिजनेस पे ही, पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में देखेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप बिजनेस, व्हाट इज पार्टनरशिप एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। कंप्लीट, तो आइए देखते हैं पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप होता क्या है। सिंपल सा फंडा है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाए तो दो ही तरह के बिजनेस आपको मिलेंगे। पहला बिजनेस मिलेगा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और सेकेंड पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस के साथ साथ थोड़ा सा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में भी जान लें। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऐसे बिजनेस जिसके ओनर ओनली वन होते हैं और वही पैसा लगाते हैं, यानी वही कैपिटल लगाते हैं, और जितना प्रॉफिट होता है उस संस्था में या बिजनेस में उस प्रॉफिट को वही रख लेते हैं, तो उनके द्वारा संचालित बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोला जाता है। कंप्लीट, सच टाइप्स ऑफ बिजनेस हैव ओनली वन पर्सन हैव टू स्टार्टेड बिजनेस एंड इन्वेस्ट द कैपिटल फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट इज नोन एज प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। कंप्लीट, ऐसे बिजनेस जिसके मालिक वन होते हैं, एक मालिक होते हैं और वही पैसा लगाते हैं और वही बिजनेस को चलाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, देन इज नोन एज प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। नेक्स्ट, पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप बिजनेस के क्षेत्र में सन 1932 में एक एक्ट पास हुआ और एक्ट में बोला गया, उस एक्ट का नाम है पार्टनरशिप बिजनेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। द पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाई वन, कैरिड बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों का बीच का एक ऐसा संबंध है जिसमें सभी व्यक्ति उस बिजनेस को चलाते हैं या सभी के बदले में उन सभी व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति उस बिजनेस को चलाता है, तो उनके द्वारा संचालित व्यवसाय को ही पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है। कंप्लीट, नेक्स्ट, हिंदी में ऐसे बिजनेस जिसके मालिक मिनिमम दो या दो से अधिक होते हैं और पैसा लगाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और उस व्यापार को चलाते भी हैं, तो उनके द्वारा स्थापित या संचालित व्यापार या व्यवसाय को ही बोला जाता है पार्टनरशिप बिजनेस। कंप्लीट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 1932 ने बोल रखा है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्रीड द शेयर प्रॉफिट, हु एग्रीड द शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाई ऑल और एनी ऑफ देम पार्टनर। कंप्लीट, पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संबंध है जो उनमें से सभी के द्वारा रन कराया जाता है या संचालित की जाती है, या उनमें से किसी एक सरदार द्वारा उसको चलाया जाता है, तो उनके द्वारा चलाए जाने वाले ही बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, सॉरी, इससे पहले आते हैं तो उसके क्या विशेषता है, कैसे हम पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द पार्टनरशिप बिजनेस, कि इज दैट पार्टनरशिप बिजनेस। दे आर फ्लोइंग फीचर्स
an element of partnership business. First, two or more person, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना. पार्टनरशिप बिजनेस उस कंडीशन में ही बोला जाएगा जब मिनिमम दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, तभी पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा, वरना पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा. कंप्लीट. जिसके ओनली वन ओनर होंगे वो प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा, जो ही वन से अधिक होंगे, मिनिमम दो या दो से अधिक, तो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा. तो पहली विशेषता या फीचर है टू और मोर पर्सन. पार्टनरशिप बिजनेस कहलाने के लिए मिनिमम दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है जो पैसा लगाए और उसको चलाए. नेक्स्ट, एग्रीमेंट का मतलब समझौता. पार्टनरशिप बिजनेस कहलाने के लिए सभी पार्टनरों के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए. व्हेन डज नॉट एग्जिस्ट एग्रीमेंट इज नॉट कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस. जब एग्रीमेंट नहीं रहेगा उनके बीच, तो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि विदाउट एग्रीमेंट का पार्टनरशिप बिजनेस हो ही नहीं सकता है, चाहे वो रिटेन हो या ओरल हो, लेकिन होगा. नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस. जितने भी साझेदार हैं, पार्टनरशिप बिजनेस अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं या सेटअप कर रहे हैं बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है. लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस कहलाने के लिए सभी साझेदारों का मोटिव होना चाहिए लाभ कमाना और उस बिजनेस को चलाना. कंप्लीट. अगर जितने भी साझेदारी व्यवसाय स्टार्ट कर दिए हैं मिलकर, दो या दो से अधिक व्यक्ति, अगर उनका मकसद लाभ कमाना, बिजनेस को चलाना नहीं होगा, तो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा. कंप्लीट. तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए सारे पार्टनर का मोटिव होना चाहिए लाभ कमाना और उस बिजनेस को चलाना. अगर बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं फिर लॉक करके छोड़ दिए, कोई नहीं जा रहा, ना ऑपरेट ही कर रहा है, अगर उनका मोटिव ही नहीं है चलाना, तो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा, भले दो या दो से अधिक ओनर हो उसमें. नेक्स्ट आते हैं लॉफुल बिजनेस. पार्टनरशिप बिजनेस उस कंडीशन में कहा जाएगा जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संचालित हो, लेकिन उस संचालन लॉफुल होना चाहिए. अगर लॉफुल बिजनेस करेंगे तो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा, अगर लॉफुल बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर ए और बी दो पार्टनर हैं, इन दोनों ने राय किया कि हम एक पिस्टल खरीदेंगे, गन, और उस गन के बल पे जो पैसे वाले व्यक्ति होंगे उनको किडनैपिंग करेंगे और किडनैपिंग करके उनसे फिरौती लेंगे उनके घर वाले से. तो क्या ये गवर्नमेंट अलाउ करती है? क्या ये लीगल बिजनेस है? नहीं है. जो ही लीगल बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा. ध्यान रहे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, लॉफुल बिजनेस. कंप्लीट. एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं या प्रैक्टिकल लाइफ में कंफ्यूज कर जाते हैं, बस एक ही डिफिनेशन याद रहता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी संस्था को स्टार्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा. लेकिन ध्यान रहे कि वो बिजनेस लीगली तौर पे होना चाहिए. अगर लीगल होगा बिजनेस तो पार्टनरशिप कहलाएगा. जैसे एग्जांपल आपको बता दिया गया, मिस्टर ए और बी दो पार्टनर हैं जिन्होंने राय किया कि एक पिस्टल खरीदेंगे 25,000 रुपये दोनों लगाया और एक पिस्टल खरीद लिए, और उनका मकसद था पैसा कमाना, ठीक है, लेकिन लीगली तौर पे पैसा कमाना नहीं, क्योंकि उन्होंने राय किया कि पिस्टल खरीदेंगे 50,000 का, और उससे जो पैसे वाले व्यक्ति हैं उनको किडनैपिंग करेंगे और उनके घर वाले से फिरौती का पैसा लेंगे, वसूलेंगे. कंप्लीट. तो दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं इसमें, मिनिमम दो हैं ए और बी. कंप्लीट. उनके बीच एग्रीमेंट भी है कि 50-50 बांट लेंगे, कैपिटल भी लगा दिए हैं, लेकिन उनका मकसद भी है चलाना, उस बिजनेस को चलाना, लेकिन लॉफुल बिजनेस नहीं कर रहे हैं वो,
क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है कि आप किसी को किडनैप करें और उसके घर वाले से फिरौती ले। कंप्लीट। जो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है बिजनेस ऑपरेट करने के लिए तो लॉफुल बिजनेस नहीं कहलाएगा। कंप्लीट। अनलीगली बिजनेस कहलाएगा, अनलॉफुल बिजनेस कहलाएगा। तो अनलॉफुल बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाता है। कंप्लीट। तो एक पार्टनरशिप कहलाने के लिए बिजनेस शुड बी लॉफुल। बिजनेस लॉफुल होगा तभी कहलाएगा पार्टनरशिप बिजनेस। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग। कंप्लीट। ये जितने पार्टनर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी संस्था का निर्माण किए हैं, लेकिन जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को नहीं बांट रहे हैं। कंप्लीट। जब प्रॉफिट को शेयर नहीं करेंगे तो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। जैसे दो पार्टनर हैं, एक सलमान खान है और एक शाहरुख खान है। कंप्लीट। दोनों पार्टनर मिलकर ये व्यवसाय स्टार्ट किए और प्रॉफिट होगा तो उन्होंने एग्रीमेंट किया कि प्रॉफिट हम बांटेंगे, लेकिन जब प्रॉफिट हुआ तो सलमान खान शाहरुख खान को दो थप्पड़ दिया और उनका पैसा रख लिया, हड़प लिया उनका शेयर भी। तो जो ही इस तरह होगा तो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। कंप्लीट। तो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाने के लिए प्रॉफिट शुड बी शेयर बिटवीन पार्टनर्स। कंप्लीट। प्रॉफिट का बंटवारा होना जरूरी है, आवश्यक है। अगर प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होता है तो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस कैरीड ऑन ऑल और वन ऑफ पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। कंप्लीट। जो पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस कहलाने के लिए बिजनेस कैरीड ऑन ऑल, सभी सहदारों के द्वारा बिजनेस का संचालन होना आवश्यक है। नहीं तो सभी सहदारों द्वारा बिजनेस का संचालन होना आवश्यक है या सभी सहदारों के बदौलत किसी एक सहदार सभी सहदारों के लिए काम करे। कंप्लीट। यानी उस पार्टनरशिप बिजनेस को कोई एक सभी सहदारों के सहमति के द्वारा किसी एक सहदार चलाए उस सहदारी व्यवसाय को, नहीं तो सभी सहदार मिलकर चलाए तभी वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। कंप्लीट। अगर सबके सब जाके ताला लॉक करके सो गए और किसी को ये अनुमति भी नहीं दिए सब मिलकर कि आप चलाइए, कंप्लीट, और कोई चलाने नहीं जा रहा है, तो जो ही उस तरह होगा तो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा बच्चों। जब पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा तो पार्टनरशिप उसको नहीं कहेंगे हम। कंप्लीट। तो ये है आपका 6 पॉइंट। इससे अधिक भी इसके फ्यूचर हो सकते हैं। फ्यूचर को दूसरे भाषा में करेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है। कंप्लीट। तो ये था आपका फ्यूचर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस।